हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आपको सबसे पहले शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा वाले पेड़े। जी हाँ, वो भी घर पे। इसके लिए मैंने लिया हुआ है ये 1.5 पाव खोवा, मतलब 375 ग्राम्स लिया हुआ है ये मैंने खोवा। ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसको मैंने क्रम्बल्स कर लिया। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे क्रम्बल्स के रूप में तोड़ लिया है। इसके बाद मैंने लिया हुआ है वही 375 ग्राम्स चीनी। ये मैंने पाउडर शुगर ली हुई है, आप चीनी भी ले सकते हैं या आप शक्कर का बूरा भी ले सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई आप जब भी चढ़ाएं थोड़ी मोटे तले की ही चढ़ाएं। उसमें जो खोवा हमने क्रम्बल किया हुआ था उसको डाल दें और गैस की फ्लेम को कर दें स्लो और उसको अच्छी तरह से सेक लें, जिससे कि हमारे खोए में और जो हमारे पेड़े हैं उसमें अच्छा सा सौंधापन आ जाए। मार्केट में जो बनाते हैं इसी तरीके से वो हल्का सा भूंज लेते हैं, जिससे कि जो हमारा खोवा है ना उसमें अच्छा सा टेस्ट उसका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये देखिए, मैं कम से कम 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह से भूंज लूँगी और गैस की फ्लेम को रखना है स्लो। ये देखिए, जो हमारा खोआ है वो अब अच्छी तरह से वाइंडिंग कंडीशन में आना स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल भी इसका कलर चेंज ना होने दे। यदि आप कलर चेंज करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, आप थोड़ी देर ज़्यादा सेक सकते हैं। ये देखिए, अब ये बाइंड होने लगा है अच्छी तरह से। हमारा खोआ है, अच्छी खुशबू आने लगी और अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम कर देंगे गैस को बंद और थोड़ा सा इसी गैस पे कढ़ाई गर्म है तो हम अच्छी तरह से चलाएंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारा खोआ कितना अच्छी तरह से भुंज गया है। इसके बाद हमने इसे एक प्लेट में ले लिया है। ये देखिए, इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें पाउडर शुगर। इसके बाद हम शुगर और मावा को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं मिला रही हूँ, अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा सा आप ठंडा होने का भी वेट कर सकते हैं। मैंने 1 से 2 मिनट के लिए रख दिया था इसे, लेकिन फिर भी ये गर्म है, आप इसको केयरफुली अच्छी तरह से मिला लें। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे मिला लिया है शुगर और मावा को। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल मिल गए हैं दोनों, शुगर और मावा। जो हमारा मावा भी है वो थोड़ा हल्का सा ढीला हो गया है। इसको हम चढ़ा देंगे अब कढ़ाई पे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से चलाएंगे, जब तक कि हमारा शुगर पानी बन के फिर से टाइट ना हो जाए। ये देखिए, हम इसे अच्छी तरह से चला रहे हैं। गैस की फ्लेम हमने स्लो ही रखी हुई है। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो हमारा जो खोवा है वो अच्छी तरह से नीचे से चिपकने लगेगा और शुगर वो जल जाएगा। ये देखिए, अब और ज़्यादा पतला हो गया है क्योंकि शुगर मेल्ट हो रही है, इसलिए हल्का सा पतला हो गया है, लेकिन अब इसके बाद वो और टाइट होना स्टार्ट होगा। ये देखिए, अभी पतला हो रहा था, अब धीरे धीरे टाइट गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है और कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है ये। हम 1 से 1.5 मिनट और चलाएंगे इसको, इसके बाद हम कर देंगे गैस की फ्लेम को ऑफ। ये देखिए, हल्का हल्का और गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है ये, और इसे इसी तरह से चलाते रहना है। अब हमने गैस ऑफ कर दी है और इसे नीचे उतार लिया है। या तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, लेकिन जो हलवाई होते हैं ना वो इसी तरह से उन्हें चला चला के ठंडा करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको बस हाथ की एक्सरसाइज करनी है और अच्छी तरह से चलाना है। ये देखिए, कंटिन्यूसली इसे चलाना है। मुझे इसे ठंडा करने और चलाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए थे। ये देखिए, और यदि आप गैस पे इसे गाढ़ा करेंगे तो ये पतला होने के सूख ठंडा होने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाएगा। ये देखिए, गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है ये। ये देखिए, इसके बाद ये बिल्कुल इतना नरम बचा हुआ है, तब मैंने इसे प्लेट पे कर दिया। ये काफ़ी अभी हल्का गर्म है। इसके बाद मैं देखिए बना के देख रही हूँ कि पेड़े के शेप में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इजीली बन रहा है, तो मैंने इसे 6 और 7 के पीस में डिवाइड कर लिया है और एक एक करके हम पेड़े को बनाएंगे। अभी जो मावा है हमारा अभी भी हल्का सा गर्म ही है। इसे हम गोल गोल करके पेड़ा बना लेंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा का जो पेड़ा होता है वो काफ़ी बड़े साइज का बनता है, इसलिए मैं इस साइज का बना रही हूँ।
आप इसका छोटा पेड़ा भी बना सकते हैं यदि आप रेगुलर बना रहे हैं तो नॉर्मल, लेकिन शरद पूर्णिमा में जो पेड़ा बनता है उसका साइज यही होता है, इसलिए मैंने इस साइज का बनाया हुआ है। ये देखिए गोल गोल करके मैंने बना लिया, इजीली बन रहा है क्योंकि अभी हमारा मावा हल्का और गर्म है। देखिए एक एक करके मैंने सारे पेड़ों को बना लिया है, ये देखिए लग रहे हैं ना बहुत टेस्टी। इस तरह से आप घर पे ही बनाएं और खाएं, और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको हमारी चैनल पसंद आती है, रेसिपी पसंद आती है, तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।